अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 19 वर्षीय विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अस्पताल प्रशासन द्वारा जिनके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। परिजन से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 12 बजे सुमन के ससुराल से तबियत खराब होने का फोन आया। अस्पताल पहुंचने पर सुमन की मौत की जानकारी लगी। उन्होंने बताया कि सुमन की 2 महीने पूर्व ही किशनगढ़ के कृष्ण कुमार से शादी हुई थी। परिजनों ने सीधे तौर पर कृष्ण कुमार व ससुराल पक्ष पर पॉइजन देकर हत्या करने का आरोप लगाया। बच्चे के साथ थोड़ा बताएं क्या नाम है और किस तरीके की वारदात। भाई नाम सुमन है और रात को 12 बजे हमारे पास फोन आया है, भाई वो जो मर गई है। जब फोन कराए मैं, अब ये पता नहीं किस लिए मरी है, क्या मरी, नहीं मरी, कैसे मरी है, अब पता जब लगेगा जब पोस्टमार्टम होगा। कहाँ पे आई थी ये? सैदनपुर। लड़का क्या करता है? लड़का कोई खेती बाड़ी का करता है, क्या मजदूरी करता है, हमारे को ये भी भाई पता नहीं। क्या लग रहा है आपको इसमें? तो भाई यही लग रहा है कि भाई मार दी। पहले कोई दहेज का मामला या कोई परेशानी? कोई मतलब पहले तो इसकी कोई बात नहीं थी, पीछे कोई होगी हो तो कोई मतलब लड़की से कहता हो तो कोई पता नहीं। नहीं हमारे को जब पता पड़ा, जब 12 बजे फोन करा, जब मर गई थी, हमारे को तो अभी थोड़ी सी मिली नहीं है लड़की। तो अब आपको लग क्या रहा है, शक है क्या किसी तरह का? हाँ शक है पूरा पूरा साहब, हाँ शक है पूरा। शादी करी थी वो भी नहीं आया अभी थोड़ी, तो रात से अब थोड़ी वो कहाँ है कुछ पता चला? नहीं अभी कोई पता नहीं चला भाई, आप वो बताएंगे जब पुलिस पूछेगी या कुछ पता लगेगा, अभी हमारे को पता भी नहीं, वो उसको बता भी नहीं रहे। क्या नाम है? कुशराज। क्या